आज मैं आपको ऐसे पदार्थ के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, आपकी सेक्सुअल डिजायर पावर को बढ़ाएगा और यहाँ तक आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी लाभदायक रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पाटिल, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस पदार्थ की बात कर रहा हूँ उसमें मेनली केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है एलिसिन और सल्फर। सल्फर के कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि डाई एलिल डाइसल्फाइड और डाई एलिल ट्राइसल्फाइड। इस पदार्थ को चॉप या क्रश करने से इसमें से एलिसिन निकलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से बैक्टीरियल फंगस और वायरल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। यही नहीं, वो इनके सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके इनकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको भी इनहिबिट कर देता है। इसमें जो सल्फर है उसकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को, उनको स्कैवेजिंग करते हैं। यही नहीं, ये हमारी खुद की बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स है उनको भी बढ़ाता है। एलिसिन और सल्फर की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये इनहिबिट करता है जिसकी वजह से जो खून के थक्के जमते हैं उनको भी ये कम कर देता है। इस पदार्थ की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है क्योंकि लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को भी ये इनहिबिट कर देता है। हमारे शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म वाली सेल्स होती है जैसे कि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, ये इनको भी स्टिमुलेट करता है। यानी कि इनडायरेक्टली ये हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, ये इंफ्लेमेशन भी कम करता है और अर्थराइटिस जैसी बीमारी से भी हमें रिलीफ मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबके घर में अवेलेबल है, मैं इस लहसुन की बात कर रहा हूँ यानी कि गार्लिक की। बिल्कुल सही सुना आपने, मगर दिक्कत है कि आपको यह पता नहीं इसको सही तरीके से खाना कैसे है। इसकी 4-5 कलियां जो है वो कच्ची, बिना पकाई कच्ची कलियां खानी है। चने के साथ खा सकते हो या फिर आप खीरे के साथ या सलाद के साथ खा सकते हो। कोशिश करें सुबह खाली पेट खाने की, इससे आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे। दिक्कत यहाँ होती है, लोग क्या करते हैं इस तरह का जो व्हाइट कलर का लहसुन गार्लिक है ये लोग परचेस करते हैं। मेट्रो सिटी में जो रहते हैं मैं उनकी समस्या समझ सकता हूँ, वो बेचारे लाचार है, मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जो चीज़ उनके लिए अवेलेबल है उसी से उनको गुजारा करना है। लेकिन जो स्मॉल टाउन्स वाले या फिर गाँव में रहते खास, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस तरह का देसी, प्योर देसी और गाँवटी जो होता है वो लहसुन यूज करना चाहिए। इसके और इसके रिजल्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा, ये तो ठीक है हाइब्रिड है, इसके विपरीत इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का मोटा आता है जो कि चाइनीज लहसुन है। उसके तो कई सारे डेंजर साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, तो कभी भी लहसुन खरीदते समय इन चीजों को ध्यान रखें। मैं हर 2-4 दिन में इसके 2-2, 4-4 कलियां खाता हूँ, चने के साथ या फिर खीरे के साथ खाता हूँ। मैं खुद मेरे दिल के हृदय का स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ, तो आप भी कोशिश करिए आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन कोशिश करें कि इसे डेली बेस पे ना खाएं, इससे आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है और मुंह में झंझनाहट हो सकती है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो औरों के साथ साझा करें, कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं। धन्यवाद।